माननीय पीयूष गोयल जी के पास ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ। जो ट्रेन की हालत है, अब उस ट्रेन में जिसको कोरोना नेगेटिव है, अगर वो ट्रेन में सफ़र करे तो उसे कोरोना पॉजिटिव होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। जो ट्रेनों की हालत है, कोई सफाई उसके अंदर नहीं रखी गई है। ट्रेन पे गंदगी है, पानी का इंतजाम देखिए, पानी नल है, नल के नीचे पूरी गंदगी जाम है, ना कोई साफ करने वाला है। जो माइग्रेंट्स यहाँ से गए, उनको ना तो खाने के लिए सही से फूड दिया गया, ना तो उनके पानी की व्यवस्था दी गई। ऐसे बहुत से वीडियोस मेरे पास उन लोगों ने भेजे हैं जो ट्रेन की हालत है उसको दिखाती है। नहीं मिला यहाँ, तो मेरा सवाल पीयूष गोयल साहब से है कि आपने एक तो आपको आपने उनसे पैसे क्यों लिए? जो माइग्रेंट्स जा रहे थे उनसे आपको पैसा नहीं लेना चाहिए था। दूसरी बात, जो माइग्रेंट्स गए उनके खाने के पानी की अरेंजमेंट आपको करना चाहिए था। और जो ट्रेन यहाँ से गई है उस ट्रेन की भी अच्छी खासी उसकी सफाई होनी चाहिए थी, उनमें पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए था, सैनिटाइजेशन होना चाहिए था, उनके रहने उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और जहाँ तक ट्रेनों के टाइम टेबल की बात है तो मैं बता दूँ कि जहाँ पे 18-20 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, वहां पे आपने 3-3 दिन तक लोगों में पहुंचाया। 5 घंटा से यहाँ रोक के रखा है, अभी तक भुसावल हम लोग 9 बजे रात को गाली फोड़ा, अभी तक भुसावल में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, उसका क्या हाल होएगा? भूख से परेशान है ना, परेशान है, भूख से परेशान है, और देख सकते हम जो माइग्रेंट्स हैं ये हमारे देश के वासी हैं और ये आपके वोटर्स हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में है तो ये आपका सबसे निचला क्लास का जो वोटर है, जो माइग्रेंट्स हैं, जो डेली लेबर वेजेस हैं, वो सबसे ज़्यादा आज तकलीफ में है। तो मैं एडवोकेट करता हूँ इस बात के लिए, मैं तो उनके लिए फाइट भी करूँगा, मैं आपके खिलाफ भी जाऊँगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि वो मजदूरों के ऊपर एहसान कर रही है तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी सरकार किसी भी मजदूर के ऊपर एहसान नहीं कर रही। ये हमारे सरकार की डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे देश में रहने वाले गरीब लोगों तक राशन पहुंचाए, उनके रहने की व्यवस्था करे, उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा, ये आपका ड्यूटी है, आपको सरकार में चुना गया है और ये हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है, संविधान में सारी बातें लिखी हुई हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके देश में रहने वाले या उसके स्टेट में रहने वाले नागरिकों के लिए क्या कर्तव्य है, क्या आपने पूरा किया है? और आपने बिल्कुल भी उस चीज़ों को पूरा नहीं किया है और ये आपके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आवाज़ उठेगी और उन आवाज़ उठाने वालों में एक मैं भी हूँ। अभी आज की जो परिस्थिति है मैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो माइग्रेंट्स आज जा रहे हैं, एक तो उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाए, ज़्यादातर लोग तो अपने गांव जा चुके हैं। जो जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से, जो ऑन पेपर जो डेटा है उसके हिसाब से करीब 1.5 लाख लोग महाराष्ट्र से यूपी बिहार कर्नाटका केरला झारखंड में गए हैं और उससे कहीं ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जिसका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। ऐसे लोग जो छुप छुपा के गए, पैदल गए, उन्होंने ट्रक को हायर किया उसमें छुप गए, कोई साइकिल से जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग पैदल जा रहे हैं जिसके एग्जाम्पल्स आप आए दिन टीवी में देखते रहते हैं। तो करीब जितने भी रजिस्टर्ड हमारे पास जो मजदूर हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या ऐसे मजदूरों की है जो अनरजिस्टर्ड हैं, उसके लिए तो सरकार की कोई नीति है नहीं और हम उनके लिए कुछ करते भी नहीं हैं। मैं लॉकडाउन के बाद ये काम करते हुए 2 महीने हो गए। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ सुबह से यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे सुबह ट्रेन के लिए आए थे बिहार जाने के लिए, लेकिन इनको ट्रेन मिला नहीं और ये इनको आज यहाँ हीरानंदानी के पास, आज 21 तारीख है और मैं हीरानंदानी के पास हूँ। यहाँ पे जितने भी आप लाइन देख रहे हैं ये लोग बिहार जाने वाले हैं, यूपी की ट्रेन यहाँ से जा चुकी है। आपको मैं याद दिला दूं कि ये लोग 19 तारीख से ही यहाँ, आप जो ये भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ झारखंड और बिहार जाने वालों के लिए है। हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाया है यहाँ पे, हम लोग बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों की मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं।
लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और किसी भी आदमी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9004100888। और ग्राउंड लेवल पे काम करने के कारण मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सरकार ने इन माइग्रेंट्स के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है और किन लोगों ने किया है। 2 बजने वाले लेकिन अभी तक भुसावल से आगे ट्रेन नहीं पहुंची है, 2:30 बज गए हैं। पूरा बीच जंगल बयाबान में ट्रेन रोक दिया है, चारों तरफ कुछ भी इंतजाम है, बहुत लोग परेशान हैं, बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सिचुएशन बहुत नाजुक है। ये उनका अधिकार है, ये सरकार बनाई गई है लोगों के द्वारा, और लोगों के लिए काम करना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, और ये आपको करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। ये हमारा हक है, ये उन लोगों का हक है जो उनको मिलना चाहिए।